हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध, यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मतलब तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वो भजन नहीं करता पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर, संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है। और कल किसी ने दिखाया कि 7:30 शनिचर है इसलिए लोहे का छल्ला पहने तो बोले आपकी क्या राय है इस विषय में, बहुत अपने जनों में हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला शनिचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आनी है, हमका बड़ी आनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया, हमका विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है।